हाय गाइस, आई एम आर्यन एडिट। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब, आशा करता हूँ ठीक होंगे। सो गाइस, आज वीडियो होने वाला है लाइट रूम के ऊपर, जिसमें मैं अपने पिक को ब्लैक टोन कलर ग्रेड करने वाला हूँ। सो गाइस, वीडियो को भी पार्ट्स को आप स्किप मत करना, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि गाइस, इसमें मैं मैनुअली कुछ करने वाला हूँ और इसमें कुछ प्रीसेट डालने वाला हूँ, ताकि आप HDR ब्लैक टोन फोटो एडिट कर सको। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। और गाइस, अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम फॉलो कर लो, मैं वहाँ पे डेली एक्टिव रहता हूँ और वहाँ पे न्यू न्यू कॉन्सेप्ट डालते रहता हूँ। सो गाइस, चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग अपना लाइट रूम एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। तो मैं यहाँ से अपना लाइट रूम एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ और गाइस, हम लोग यहाँ से फोटो को ऐड कर लेंगे। मैं यहाँ से पहले ही फोटो ऐड कर चुका हूँ, तो मैं यहाँ से फ़ोटो को ले लेता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे मेरा फ़ोटो आ चुका है और हम इसमें करेंगे अब ब्लैक टोन कलर ग्रेड। सो गाइस, मैं इसका फेस स्मूथ पहले से कर लिया हूँ। अगर आपने फेस स्मूथ वाला वीडियो नहीं देखा तो वीडियो देख लेना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस, चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ से चलेंगे गाइस ये एडजस्ट वाला आइकन पे। उसके बाद गाइस क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से एक्सपोजर को कम कर लेंगे। तो मैं यहाँ से एक्सपोजर कम कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं एक्सपोजर रख लेता हूँ 20 का अराउंड। मैं यहाँ से 20 कर लेता हूँ इसको। उसके बाद हाँ गाइज, हम लोग कॉन्ट्रास्ट बढ़ा लेंगे 8 के अराउंड। तो मैं यहाँ से कॉन्ट्रास्ट 8 कर लेता हूँ। उसके बाद गाइज, हम लोग हाईलाइट को कम कर देंगे 10 के अराउंड। सो मैं यहाँ से 10 कर लेता हूँ। उसके बाद शैडो को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे 15 के अराउंड। सो मैं यहाँ से 15 कर लेता हूँ गाइज। उसके बाद गाइज, हम वाइट जो है वाइट को हम माइनस साइड ले जाएंगे 10 के अराउंड। तो मैं यहाँ से 10 कर लेता हूँ। उसके बाद गाइज, हम लोग ब्लैक को प्लस के साइड ले जाएंगे 9 के अराउंड। यहाँ पे हमारा हो चुका है। उसके बाद गाइज, हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे ये कलर वाला टूल पे। तो यहाँ से कलर वाला टूल पे जाता हूँ और उसके बाद गाइज, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये मिक्स टूल यहाँ पे। तो हमें मिक्स टूल पे चलेंगे। उसके बाद क्या करेंगे गाइज, हम लोग ये सेकेंड वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, ऑरेंज कलर को, जो ये हमारा फेस का कलर होता है। आप देख सकते हो गाइज, यहाँ से फेस वाइट हो रहा है। तो गाइज, मैं इसके ल्यूमिनस को कर लेता हूँ 20। तो मैं यहाँ से 20 कर लिया और सेचुरेशन को कर देता हूँ -4। सो गाइज, ये हमारा फेस हो चुका है। उसके बाद हम लोग, उसके बाद ये यहाँ पे जितना आपको कलर दिख रहा है, ये दो कलर को छोड़ के जितना कलर दिख रहा उसका हम लोग सेचुरेशन कर देंगे -100। तो -100 कर लेता हूँ और लुमिनस कर लेता हूँ 20। उसके बाद गाइज, हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद ग्रीन वाला को भी हम लोग सेचुरेशन कर लेंगे -100 और लुमिनस को कर लेंगे हम लोग -20। सो गाइज, यहाँ पे हो चुका है। उसके बाद बाकी सारा जो है हम लोग उसका सेचुरेशन -100 कर देंगे। सो यहाँ से मैं -100 कर लेता हूँ सबका सेचुरेशन। और उसके बाद हम यहाँ से इसको डन कर देंगे। आप देख सकते हो ये यहाँ पे इतना हो चुका है। उसके बाद गाइज, हम लोग क्या करेंगे, ये क्लियरिटी वाला ऑप्शन पे चलेंगे। उसके बाद टेक्सचर को कर लेंगे 20 के अराउंड, +20 कर लेंगे। उसके बाद क्लियरिटी को हम कर लेंगे 15। तो मैं यहाँ से 15 कर लेता हूँ और DS को कर लेंगे 10 के अराउंड। तो मैं यहाँ से DS बढ़ा लेता हूँ, यहाँ से DS मैं 10 कर लेता हूँ। सो गाइज, यहाँ पे हमारा हो चुका है डन। उसके बाद क्या करने का, ये देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर। सो गाइज, हमारा यहाँ पे इतना हो चुका है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस फोटो को यहाँ से सेव करेंगे एक बार गैलरी में। तो मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ, सेव टू डिवाइस। सो गाइज, ये फोटो हमारा सेव हो रहा है। सो गाइज, फोटो हमारा यहाँ पे सेव हो चुका है। मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो उसके बाद गाइज क्या करूँगा, मैं ये जो फोटो है गाइज, इसको मैं डिलीट कर लूँगा। तो यहाँ से मैं डिलीट इसको कर लेता हूँ और अब वो फ़ोटो इंपोर्ट करेंगे जो हम लोग सेव किए हैं। तो मैं उस फोटो को इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ से। तो यहाँ हमारा फ़ोटो है, मैं यहाँ से इसको ऐड कर लेता हूँ। सो गाइज, यहाँ पे मेरा फ़ोटो ऐड हो चुका है, आप देख सकते हो। यहाँ से देख सकते हो, मैं यहाँ से दिखाता हूँ बिफोर एंड आफ्टर सेव। ये आ चुका है हमारे लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर। तो हम लोग यहाँ से इस बैक जाएंगे और बैक जाने के बाद हम लोग वो प्रीसेट लाएंगे जो हम लोग प्रीसेट इस पर डालना है। तो यहाँ से ऐड फोटो पे चलेंगे। उसके बाद ये 3 डॉट पे जाएंगे। 3 डॉट पे जाने के बाद गाइस, हम लोग ये JPG और PNG और ये वीडियो को अनटिक कर देना है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा ये रॉ गाइस, जिस पे रॉ लिखा होगा वही आपका रॉ फाइल है, मतलब आपका प्रीसेट है। तो हम लोग इसको कर लेंगे सेलेक्ट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ऐड कर देंगे। सो गाइस, यहाँ पे हमारा वो प्रीसेट ऐड हो जाएगा। सो गाइस, यहाँ पे हमारा प्रीसेट ऐड हो चुका है। तो मैं यहाँ पे इसको टैप करता हूँ और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका करेंगे कॉपी सेटिंग। मैं यहाँ से 3 डॉट पर जाता हूँ और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी सेटिंग में जाएंगे
और कॉपी सेटिंग पे चलने के बाद गाइज हम लोग यहाँ से इसको टिक कर लेंगे और उसके बाद यहाँ से बैक चलेंगे। बैक जाने के बाद हम लोग उस फोटो पे अप्लाई करेंगे जो हम लोग सेव करके इंपोर्ट किए हैं। तो हम यहाँ से ये वाला मेरा फ़ोटो इंपोर्ट हुआ है, तो गाइज मैं इस फोटो कर लेता हूँ सेलेक्ट। और उसके बाद हम क्या करेंगे, थ्री डॉट पर चलेंगे। थ्री डॉट पर चलने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा गाइज पेस्ट सेटिंग, तो हम लोग इस पर पेस्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हो गाइज यहाँ पर हमारा हो चुका है बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। गाइज यहाँ पे हमारा HDR ब्लैक टोन आ चुका है, आप देख सकते हो अच्छे से। सो गाइज ये प्रीसेट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर लेना। सो गाइज हमारा हो चुका है यहाँ पे, हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम जाएंगे क्लियरिटी वाला ऑप्शन पे और उसके बाद हम लोग इसका बीनेट 24 कर लेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ से ये शार्पनिंग वाला टूल पे चलेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका कलर नॉइज रिड्यूस को बढ़ा देंगे 30 का राउंड, ताकि जो भी बैकग्राउंड में नॉइज़ हो वो ख़त्म हो जाए। सो गाइज यहाँ पे बैकग्राउंड में जो नॉइज़ होगा वो ख़त्म हो जाएगा। सब देख सकते हो गाइज यहाँ पे हमारा फोटो एडिटिंग हो चुका है डन। और गाइज आप इस प्रीसेट को अप्लाई करना अपने पिक पे, ये अच्छे से वर्क करेगा। और गाइज हाँ, आप प्रीसेट अप्लाई करने से पहले आप फेस को अच्छी तरह स्मूथ कर लेना, ताकि आपके फेस पे कोई दाग धब्बा ना आए। तो ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों में शेयर करना गाइज, और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।